गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA MSc होम साइंस। जान लेते हैं कल के क्वेश्चनों का आंसर। पहला, भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्थानीय सरकारी की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो ग्राम समिति जो है शामिल नहीं है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट, हमारा वित्तीय आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित सहायता अनुदान किससे जारी किया था? तो ग्राम पंचायत ने। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम सहकारी समिति जो है पंचायती राज की संस्था नहीं है। नेक्स्ट, क्या ग्राम पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, परिषद, ब्लॉक समिति, ये सही है। बच्चे की विकास प्रक्रिया, बच्चे की विकास प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? बच्चे की विकास प्रक्रिया जो है सामान्य से विशिष्ट। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? सिर से पैर से सिर तक का सिद्धांत जो है सही नहीं है। एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास सिद्धांतों का ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह ज्ञान शिक्षक को बच्चों को उचित सीखने के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर वृद्धि का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकासात्मक दिशा में नियम में शामिल है एक और दो दोनों। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह कथन हमारा नियंत्रता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका आंसर ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? वातानुकूलित प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, सर्पिल बनाम लीनियर एडवांसमेंट का सिद्धांत संबंधित है तरक्की और विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास का एक निश्चित और पूर्ण अनुमानित है, सभी व्यक्तियों को अपना विकास का समान है, तो ये सभी व्यक्तियों का विकास समान है, ये जो है बाल विकास सिद्धांत के बारे में गलत है। ठीक है, बाले में का दिमाग जो है 90% तक विकास होता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का एक अंग है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, बता दिया है, तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक क्या है आज, मैं आप लोगों को मानव शरीर के अंगों के बारे में बताऊंगी और यांत्रिक अंगों के बारे में बताऊंगी, उनके कार्य बताऊंगी और उनमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का पाचन तंत्र। मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है वो मुंह से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। तो आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार से बनी, जो मलद्वार, मलाशय और मलद्वार से बनी होती, जो आहार नाल है, हमारा आहार नाल जो है वो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। और सहायक पाचन ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये हमारा सहायक पाचन ग्रंथि होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल से मिलकर आहार नाल बनता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाचन का प्रयोजन, पाचन का प्रयोजन क्या है? मुख में लार रस होता है, मतलब लार के द्वारा, लार रस द्वारा पाचन होता है। अमाशय में जठर रस द्वारा पाचन होता है। ग्रहणी में अग्नाशिक रस और पित्त द्वारा पाचन होता है। आंत में आंत रस द्वारा पाचन होता है। हमारे मुख में लार में टाइलिंग नामक एंजाइम होता है। ठीक है, यह क्रिया क्षारीय होती है। जो टाइलिंग नामक एंजाइम होता है वो हमारे भोजन को पचाने में पचाने का कार्य करता है और ये जो क्रिया होती है वो क्षारीय होती है। टाइलिन जो है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया, सबसे पहले टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है। स्टार्च पहले डेक्सट्रीन में
उसके बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है और स्टार्च पर जब वो क्रिया करता है वो डेक्सट्रीन में बदलता है, उसके बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय अमाशय अक्सर एग्जाम में पूछता है, अमाशय से जो भी मतलब रिलेटेड है, अमाशय से एंजाइम, अमाशय के बीमारियां, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अमाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमाशय का द्वारा पाचन, अमाशय श्लेष्मा ग्रंथि से जठर रस उत्पन्न, अमाशय में जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है उससे जठर रस उत्पन्न होता है। यह दो अवयवों से मिलकर बनता है, एक पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिकम, ये दो अवयवों से मिलकर बनता है। पेप्सिन में प्रोटीन पर कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से। यहाँ टाइलिंग एंजाइम तब तक कार्यशील रहता है जब तक कार्यशील रहेगा, जब तक सारा क्षार, सॉरी यहाँ पे सारा क्षार होगा, क्षार अमाशय में अम्ल रस द्वारा उदासीन ना हो जाए, अम्ल रस द्वारा उदासीन ना हो जाए, ठीक है। जठर रस में भी दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट उगलाता है, लाइपेज वसा को गलाने का कार्य करता है। जठर रस में रेनिन भी पाया जाता है जो दूध को पचाने का कार्य करता है। विद्वान पेवलॉक के अनुसार के आहार को देखने तथा देखने तथा सूंघने मात्र से ही रस का स्राव होने लगता है। पेवलॉक का अनुसार है कि हम भोजन को देखते तथा सूंघते ही मात्र हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है यानी रस है उनका स्राव होने लगता है। अग्नाशय का पाचन, अग्नाशय रस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा पर कार्य करता है। अग्नाशय रस में एक के एंजाइम प्रोटीन को अम्लीय अम्ल में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन का प्रयोग होता है। एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है। स्टार्च तथा गन्ने के रस शर्कराएं जो स्टार्च तथा गन्ने की रस और शर्कराएं जो हैं माल्टोज तथा बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं, जो स्टार्च है वो माल्टोज तथा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। लाइपेज की क्रिया में वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, जब लाइपेज क्रिया करता है वसा वसी अम्ल में और ग्लिसरॉल में विभक्त हो जाता है। अब पढ़ेंगे यकृत। यकृत भी हमारे एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट, यकृत से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो यकृत को आप अच्छे से समझ लीजिए। यकृत जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पित्त का निर्माण करती है, ठीक है। मृत आरबीसी को यकृत ही नष्ट करता है। मृत आरबीसी कारण यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। जो मृत आरबीसी है उसको यकृत नष्ट करता है और इससे हमारा पित्त रस का निर्माण होता है, और अत्यधिक पित्त रस के निर्माण से पीलिया होने की संभावना है। यकृत में प्रोटीन का विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न अमोनिया यूरिया में परिवर्तित, जब प्रोटीन का विघटन होता है तो अमोनिया उत्पन्न होता है और वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन जो है उसका उत्पादन यकृत करता है, जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एक क्वेश्चन और है आपका, रक्त का थक्का बनाने में कौन से प्रोटीन का होता है, तो फाइब्रोनोजेन, और फाइब्रोनोजेन का उत्पादन कौन करता है, तो यकृत करता है। हिप्टेन टीन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के दौरान होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ये हिप्टेन भी यकृत करता है जो जमने से रोकता है, ठीक है। यकृत जो पित्त को पित्ताशय में एकत्रित कर, यकृत से जो पित्त निकलता है वो पित्ताशय में एकत्रित होता है, उसके बाद ग्रहणी तक पहुंचता है। पीले रंग का द्रव होता है, वसा के पाचन में ये सहायक और क्षारीय होता है, ठीक है। पित्त रस वसा में घुलनशील विटामिन ADK का अवशोषण करता है। पित्त रस किसका अवशोषण करता है, ADEK का अवशोषण करता है। नेक्स्ट हमारा है छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत में पाचन। ग्रहणी से आहार अग्र क्षुद्रांत में पहुँचता है, ठीक है। आतरस प्रोटीनोज तथा पेप्टोन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, ठीक है। इसका विशेष क्रिया डिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज से को सक्रिय करना है। जो आतरस है उसका क्रिया क्या है, डिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज को सक्रिय बनाना है। बड़ी आंत का कार्य केवल अवशोषण करना है। अवशोषण करना है अत्यधिक जल का अवशोषण करता है। इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। वसा के भंजन से वसा अम्ल बनते हैं, जिससे मल की क्रिया अम्लीय होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है पाचन अंग, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पाचन अंग है। आपका एग्ज़ाम में अधिकतर अमाशय से पूछा जाता है, और यकृत से पीत रस
पित्ताशय, ये चीज़ें जो हैं आपको अधिकतर पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ऐसे आपको पूरा पाचन तंत्र को ही अच्छे से समझ के पढ़ना है, एग्ज़ाम में कन्फर्म है पाचन तंत्र आना ही आना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।